कुमार और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल शॉर्ट टेक्स। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आपने इसे कई जगह देखा होगा, अपने फ़ोन के बॉक्स में, फ़ोन की सेटिंग्स में, और अब तो ब्लूटूथ भी NFC सपोर्ट आने लगे हैं। स्पीकर्स भी NFC सपोर्ट आते हैं। आपका अगर फ़ोन NFC सपोर्ट नहीं है तो आप इसे सेटिंग का नहीं यूज़ कर पाते हैं। अगर आपका फ़ोन NFC सपोर्ट है तो आप इस सेटिंग का बहुत ज़रूर यूज़ कीजिए। सेटिंग बहुत ही अच्छी हैं, ये जैसे काम करते हैं आपका ब्लूटूथ वाईफाई ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन इसमें आपको कनेक्ट और पेयरिंग नहीं करनी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं NFC के यूज़। NFC का यूज़ आप कर सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र में। बहुत ही आसान से आप इसे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोन इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। या आपको बता दो आपको डाटा कैसे ट्रांसफ़र करना है। आप दो फ़ोन लीजिए, दोनों फ़ोन के अगर NFC सपोर्ट हैं तभी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। दोनों फ़ोन NFC सपोर्ट हैं, दोनों फ़ोन के NFC ऑन कीजिए। ऑन कर जहाँ पे ऑन करेंगे उसके नीचे ऑप्शन होगा NFC पिन का, आप उसे भी ऑन कर लीजिए। अगर उसे आप ऑन नहीं करेंगे तो आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसे ऑन कीजिए, फ़ोन को बैक में दोनों को टच कीजिए। अगर आपको जिस फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करना है उस फ़ोन की स्क्रीन पर टच कीजिए और डाटा भेज दीजिए। इसमें ना आपको पेयर करना है, ना कनेक्ट करना है, ना आपको रिसीव करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोन को टच कीजिए और अपना डाटा चुनिए और भेज दीजिए। बहुत ही आसानी से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है और इसमें बैटरी भी बहुत कम लगती है। चलिए मैं आपको दूसरा यूज़ बता दूँ NFC का। NFC से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप NFC से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप कार्ड यूज करते हैं उसकी डिटेल्स आप फ़ोन में रखिए। जैसे कि आप बैंक के ऐप आ चुके हैं, आप उसमें डिटेल्स ऐप्स को ऑन कीजिए और जिस डिवाइस से, अगर आप स्विप कार्ड मशीन से अपना अगर बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो आप स्विप कार्ड मशीन पर अपना फ़ोन टच कीजिए और उस ऐप्स को खोलिए। खोलते ही आपने ऑप्शन आ जाएंगे आप बैलेंस के, जो आपको ट्रांसफ़र करना है। आप उसे बहुत आसानी से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिना कोई कार्ड लगाए, बिना कोई पिन डाले, बिना कोई कार्ड स्विप करें। कि आपको तीसरी चीज़ बता दूँ NFC की टैग के बारे में। NFC टैग क्या होता है? NFC टैग एक छोटी सी चिप होती है जो 2 के कॉइन के बराबर होती है। इस कॉइन चिप में आप कुछ भी छोटा सा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, इस चिप में आप 144 बीट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बड़ी चिप लेते हैं तो उसमें आप 888 बीट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए आप इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं आपको बताता हूँ। आप अपने फ़ोन की सेटिंग इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी फ़ोन की कोई सेटिंग्स स्टोर की कि जैसे इसमें पैक पे मैं लगाऊँ अपना फ़ोन, मेरे फ़ोन की वाईफाई ब्लूटूथ खुल जाए, तो आप इसमें सेटिंग्स राइट कीजिए और इसमें सेव कर दीजिए। आप जैसे ही इस पैक को अपने फ़ोन के बैक में लगाएंगे आपके फ़ोन की सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी, वाईफाई ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। और इसका दूसरी चीज़ में आप किस यूज कर सकते हैं, जैसे आप विजिटिंग कार्ड के बारे में जानते होंगे। विजिटिंग कार्ड में भी आप NFC का सपोर्ट मिल गया है। आप विजिटिंग कार्ड में आप अपना फ़ोन टच कीजिए और आप जिसका भी विजिटिंग कार्ड होगा आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए आपको मैं NFC टैग कुछ और यूज़ बता देता हूँ। जैसे आप एक NFC टैग लिया, आप चाहते हैं कि NFC टैग्स में जैसे मैं इस पर लगाऊँ मेरा ये ऐप खुल जाए, तो क्या करना होगा, इस यूज करने के लिए NFC टैग के लिए दो ऐप्स आते हैं। ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। पहला ऐप से NFC टैग, दूसरा ऐप से NFC टूल्स। जब NFC टैग्स डाउनलोड करेंगे तो इसे NFC आपका काम करेगा। और दूसरा है NFC टूल्स। NFC टूल्स से वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको सेटिंग्स कैसे उसमें सेव करनी है और जो सेटिंग्स है उसको कैसे हटानी है। चलिए जब आप NFC टैग्स में अपनी सेटिंग्स सेव कर देंगे उसके बाद एक अपने NFC टैग को लॉक कर सकते हैं। अगर आपने लॉक नहीं किया है तो कोई भी आपका वो यूज कर सकता है जिसके फ़ोन में NFC है। इसलिए उसमें ऑप्शन होता है NFC टैग लॉक का। उसे आप लॉक कर दीजिए, आप उसे ही यूज कर सकते हैं, आप उससे ही इरेज कर सकते हैं, आप नई सेटिंग डाल सकते हैं। दूसरा आपका कोई फ्रेंड इसमें कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए आपको टैग को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोई पब्लिक में रखना चाहते हैं, जैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड, तो आप उसे सेव करके घर में लगा दीजिए। आपको कोई फ़ोन आता है आपको उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं वाईफाई का पासवर्ड ये है। आप अपना वो फ़ोन लें और उस NFC टैग पर लगाएं, उसके फ़ोन में पासवर्ड पड़ जाएगा। इसलिए बात करते हैं NFC विजिटिंग कार्ड की। देखिए विजिटिंग कार्ड ये होता है जिसमें आपका, जैसे अगर आप अपना एड्रेस सबको बताना नहीं चाहते हैं तो आप एक कार्ड रखते हैं कि ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा
एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोटो, बाकी चीज़ें पड़ी हैं। अगर आप अच्छा विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं तो उसमें मिलती है एनएफसी का सपोर्ट, उसमें एक चिप लगी होती है एनएफसी की। उसमें क्या होता है, उसमें आप जो कार्ड में जो लिखा होता है वही उसमें फीड होता है, उसमें आपके और भी चीज़ें फीड होती हैं, जैसे आपके यूट्यूब का ऑप्शन, आपके फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, ये सब उसमें सेव होती हैं। आप जैसे ही अपने फ़ोन में उस विजिटिंग कार्ड को लगाएंगे, उसका एड्रेस, हर चीज़ आपके फ़ोन आ जाएगा, सेव ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे तुरंत सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बात करते हैं टैग की। अगर आपको टैग लेना है तो आप अमेजोन पे जाकर खरीद सकते हैं। टैग की कॉस्ट है, अगर 1/4 वीट्स की अगर आप टैग खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट है 250 रुपये, यानी एक टैग आपको पड़ेगा 50 रुपये का, आपको 5 टैग मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा डाटा स्टोर करना है, जो 888 बीट्स का होता है, वो टैग आपको पड़ेगा 500 रुपये के 6 टैग्स। आप इसे अमेजोन पे खरीद सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेके आपने अपने अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से डाल दीजिए। अगर आप अपने फ़ोन की कोई सेटिंग्स नहीं जानते हैं तो प्लीज़ सेटिंग्स मेरी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सेटिंग्स के बारे में आपको बता दूंगा। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो देखने की सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।